तो इस केस में इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखो उसने कहा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए, जिस स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा गया मतलब टैक्यूमीटर रखा गया वो हमारा ए स्टेशन है, और जिस स्टेशन के ऊपर स्टाफ रखा गया वो बी स्टेशन है। तो उसके ऊपर क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए है, तो जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो सा हमारा ए था उसके ऊपर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितने है हमारे को गिवन है, यहाँ आर एल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने गिवन है 1.200 मीटर। स्टाफ स्टेशन जो सा है वो बी पॉइंट पे रखा गया, अब वो बी पॉइंट के ऊपर स्टडी वायर रीडिंग्स हमें गिवन है 1.500 मीटर, 2.200 मीटर, 2.900 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसके अंदर देखो लाइन ऑफ साइट टिल्ट हो गई, साफ पता लग गया क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखो इसके अंदर एक तो स्टेडिया वायर्स की रीडिंग गिवन है मतलब कि ये स्टेडिया टैकोमीटर है, दूसरा इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है मतलब कि लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है एफ अपॉन आई की वैल्यू क्या है 100 है, मतलब मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू 100 है, एफ प्लस डी की वैल्यू 0 है मतलब एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 है, आर एल ऑफ ए नहीं। आर एल ऑफ ए, ए का आर एल कितना है देखो ध्यान से, आर एल ऑफ ए, ए पॉइंट जो है उसका रिड्यूस लेवल कितना है मेरे को गिवन है 100 मीटर, आर एल ऑफ ए इज 100 मीटर। इसके बाद क्या गिवन, हमने निकालना क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हमने डी की वैल्यू निकालनी है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमने क्या करना है डी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, और हमने आर एल ऑफ बी निकालना है, बी पॉइंट जिसके ऊपर हमने स्टाफ रखा था उस पॉइंट का आर एल निकालना, और हमें क्या गिवन है स्टाफ इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल। और अभी देखो स्टेडिया टैकोमेट्री का केस है, यहाँ से पता लग गया स्टेडी वायर की रीडिंग है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, अब हमने देखना है कि हमारा जो स्टाफ है वो ट्रू वर्टिकल है या नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टाफ इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल ऑन स्टेशन बी, तो ये केस बन गया स्टेडी टैकोमेट्री का व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड और एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड द स्टाफ इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल ऑन द ग्राउंड सर्फेस। तो उस केस के लिए आपने जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनको यूज करके हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल देना है, और आर एल ऑफ स्टाफ स्टाफ जहाँ पे हमारा स्टाफ स्टेशन है उसका आर एल जो कि बी है उसका आर एल निकाल देना। अब ये लिखा दिस इज द केस ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री, ये स्टेडिया टैक्योमेट्री का केस है व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, जब आपकी लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है एंड द स्टाफ इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल, स्टाफ जो है जमीन पे बिल्कुल अपराइट ट्रू वर्टिकल रखा गया एंड देयर इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा। अब इसके अंदर एफ अपॉन आई की वैल्यू मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाई एस, एस क्या होता है स्टाफ इंटरसेप्ट होता है स्टेडिया टैक्योमेट्री में, कैसे निकलता है अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, तो एस की वैल्यू यहाँ निकाली गई है, देखो अपर स्टेडिया कितना है 2.9 और लोअर स्टेडिया 1.5, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आई 2.9 माइनस 1.5 या कि 1.4, तो यहाँ पे हमने एस की वैल्यू 1.4 यूज कर ली मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 9 डिग्री 30 मिनट्स, प्लस प्लस एफ प्लस डी, एफ प्लस डी क्या होता है एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है जो की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, थीटा कितना गिवन है हमारे को 9 डिग्री 30 मिनट। तो इसको जब हम सारे को सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 136.186 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल देना। दूसरा उसने पूछा कि बी पॉइंट जहाँ पे हमने स्टाफ रखा हुआ था स्टाफ स्टेशन बी पॉइंट उसका आर एल निकालो, अब उसका आर एल निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस वी माइनस एच, अब आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस वो कितना है हमारे को हमारे पास गिवन 101.20, 101.20 जो है हमारा आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है कैसे निकला ये, अब कैसे निकलेगा देखो ए पॉइंट जो है उसका आर एल कितना है, उसका आर एल कितना है ए पॉइंट का 100, उसके ऊपर इन्होंने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जोड़ी है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ये इन्होंने 1.2, तो 100 जो सा ए पॉइंट जिसके ऊपर हमारा टैक्योमीटर खड़ा रखा हुआ है हमने ए पॉइंट के आर एल में आपने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दी 100 जमा 1.2 ये बन गया 101.2, तो आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गई हमारी यहाँ पे 101.2 प्लस वी, वी की वैल्यू कैसे निकलती है वी की वैल्यू हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस एफ प्लस डी, एफ अपॉन आई की वैल्यू हमें पता है 100 है, एस की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.4 है, साइन 2 थीटा कितना है 9 डिग्री 30 मिनट प्लस एफ प्लस डी 0, तो ये बन गया 22.79, तो वी की वैल्यू हमें लिखनी है 22.79।
माइनस एच, एच क्या होती है, एच हमने जब हम आपकी केस अगर देखोगे तो उसके अंदर एच जो सी थी वो सेंट्रल हेयर पे जितनी रीडिंग थी वो एच होती है, सेंट्रल हेयर पे रीडिंग कितनी है 2.2, तो यहाँ पे -2.2 लेना है, ये ध्यान से देखनी है आपने, एच बुक्स में मिसप्रिंट रहता है, तो ये वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बी पॉइंट का आर एल आ जाएगा, कितना आएगा 121.790 मीटर। तो इस तरीके के स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़े से बुक में गिवन थे स्टडी या टैक्योमेट्री के, तो इस तरीके से आपने अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपने पहले केस कंसिडर करना है, कौन सा केस है, उसका फॉर्मूला आपने दिमाग में आपने जो याद किया होगा उसको उसको यूज करते हुए वैल्यूज डालनी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और रिड्यूस लेवल से निकालनी है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर।